हेलो दोस्तों, मैं हूं अबू और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं मेरे पास सकुलेंट्स के कुछ प्लांट हैं। तो देखिए, ये कैक्टस है, ठीक है, ये एक एलोवेरा है, ड्वार्फ वैरायटी, और ये आपका जेड प्लांट है जिसको कि क्रेसुला बोलते हैं, ये उसकी दूसरी वैरायटी है, छोटा सा है, देखिए इसमें रूट्स भी हैं, ठीक है। इसको मैंने एक कटिंग लाया था मैं किसी प्लांट से निकाल के, और इसको मैंने यूं ही लगा दिया, तो ये रूट्स भी आ गई हैं, और ये भी एक क्रेसुला की ही दूसरी वैरायटी है, इसकी भी कटिंग मैंने लगाई है, ये देखिए। तो आज मैं इनको सबको प्लांट करूँगा, और प्लांट करने के लिए मैंने जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया, देखिए ये गार्डन सॉइल के साथ इसमें थोड़ा सा काऊ डंग है, मिक्स है पहले से 70:30 के रेशियो में, ठीक है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ये परलाइट मिला रहा हूँ जो कि पत्थरों का चूरा होता है, ठीक है, ये देखिए। और साथ में ये है कोकोपीट, ये देखिए। तो आप रेशियो अगर देखेंगे तो ये लगभग 40-45% है, ये 30% है, और ये लगभग 25% है, 20-25%। तो इनको सही से मिक्स करके मैं इन पॉट्स में लगाऊंगा, ये देखिए पॉट्स हैं तीन, इनमें नीचे जो ड्रेनेज है उनको ढकने के लिए एक कपड़ा लगाया है, ये आप देख रहे हैं, जालीदार, ताकि पानी ड्रेन हो जाए और मिट्टी बाहर लग जाए, ठीक है। और मैं इसको सबसे पहले मिक्स कर लेता हूँ। अगर छोटे मोटे ईंटे जैसे हैं उनको तोड़ लीजिए एक बार, और जो गंदगी इस तरह की पड़ी हो उनको थोड़ा निकाल दीजिए, बाकी सबको सही से, कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि कहीं पे मिट्टी ज़्यादा हो, कहीं पे कोकोपीट ज़्यादा हो, या कहीं पे परलाइट ज़्यादा हो, तो इसको सही से मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है। ये लीजिए साहब, ये मिक्स हो गया, अब मैं इनको इनमें भरूंगा, ये देखिए। इसको मैं यहीं रख लेता हूँ ताकि मिट्टी अगर बाहर के बाहर न जाए, इसी में जाए, भर गया, और भाई साहब जो बच रही है मिट्टी वो इनमें ही सही से दबा के ना भर दीजिए, अभी तो दबाव भी आएगा ना काफ़ी, ये देखिए। और जो बच रही है थर्ड वाले में भी डाल देता हूँ, ये मिट्टी दबेगी काफ़ी क्योंकि स्पॉन्जी होती है ना, ये लीजिए दोस्तों। अब मैं इसमें देखिए आपको पेड़ लगाने का, पौधा लगाने का तरीका बताता हूँ। देखिए इसमें रूट्स भी हो रही हैं, ये देखिए वाइट वाइट रूट एक दिख रही है, नई रूट आई है। तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इसको यूं ही रख देना है थोड़ी जगह बना के। देखिए मैं किनारे से मिट्टी थोड़ा किनारे कर लूँ, चारों तरफ गड्ढा हो गया है, और इसको जड़ों को संभाल के इसमें यूँ रख दीजिए, और नीचे साइड साइड से यूँ दबा दीजिए, ये
ध्यान रहे दोस्तों, इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। ज़्यादा पानी देंगे तो रूट्स इनकी सड़ सकती हैं, फंगस लग सकता है, इसलिए इनको बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, हफ्ते में एक बार। ये देखिए, ये हो गया रेडी। कैसा लग रहा है दोस्तों? अब दूसरा वाला, कैक्टस वाला भी लगाते हैं। आइए जगह बना लें पहले इसमें। ध्यान रहे सब तरफ से गोल गोल करिएगा ताकि बीचों बीच में जगह अपने, और फिर धीरे से कैक्टस वाला भी पौधा उठाइए। ये देखिए, अगर कोशिश करिए कि अगर मिट्टी पूरी हट जाए तो हटा ही दीजिए। ये देखिए, ये नीचे हट गया, और इसको अब ज़्यादा डैमेज ना करिए। देखिए रूट्स में ही ये मिट्टी लटक रही है, इसको एज इट इज़ यूँ बीच में रख दीजिए और मिट्टी सब तरफ से गिरा दीजिए, और धीरे से हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए। सीधा नहीं है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेट करने के लिए दूसरे साइड से प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, चलिए दोस्तों ये भी रेडी हो गया। हाउ इज़ इट लुकिंग? गुड ना? अब मैं क्रेसुला लगाऊंगा। ये देखिए, इसके लिए भी मुझे किनारे किनारे पहले जगह बनानी है बीच में। बस इसको ज़्यादा जगह नहीं है, बहुत छोटा ही है, क्योंकि देखिए अंदर चला जा रहा है। इसको मैं थोड़ा मिट्टी गिरा दूँ, ऊपर ही रखना है मुझे इसको। ये देखिए, तो इसको ये रही है दोस्तों, लीजिए दोस्तों ये भी रेडी हो गया। तो अब बताइए आप कैसा लग रहा है? और ये मेरे पास छोटे ये दो बचे हुए हैं क्रेसुला के, ये देखिए ये भी कटिंग्स हैं, इनको मैं इसमें ही फॉर टाइमिंग रख देता हूँ। जब वो ग्रो करने लग जाएंगे तो मैं इनको और कहीं शिफ्ट कर दूँगा। तो आइए इसको भी थोड़ी सी जगह बनाते हैं, और ध्यान रहे दोस्तों ये इनको शेड कम चाहिए, धूप ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी जगह रखिए कि जहाँ धूप मिलती रहे रेगुलर। ये भी लग गया है, और इनको हिलाइएगा नहीं कटिंग्स को। जब हिलाएंगे तो फिर रूट्स इनकी डेवलप नहीं हो पाएंगी, इसलिए हिलना एक बार लगा दीजिए तो हिलना नहीं चाहिए। और ऊपर से थोड़ा, क्योंकि मिट्टी गहराई हो रही है, थोड़ा और मिट्टी डाल दीजिए। ये गमले में मिट्टी थोड़ी कम है, तो कोई बात नहीं, ये मिट्टी का मिक्सर है, मिक्सचर है, यही डाल सकते हैं। ये लीजिए, लीजिए दोस्तों ये तीन मेरे सकुलेंट्स तैयार। अब आप लोग बताइए कैसा लग रहा है ये तीनों सकुलेंट्स? सही लग रहा है? थैंक यू दोस्तों।